कमिश्नर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंतजाम होना चाहिए, डस्टबिन किधर होना चाहिए, किधर क्या क्या रहना चाहिए और बीच सीएमसी कमिश्नर साहब मौजूद है। आइए हम इनसे तफसील जानेंगे कि एयर शो के क्या क्या इंतजाम है, क्या क्या नहीं। साहब, ये एयर शो आज से चालू है, कल से चालू है? देखिए, आज पब्लिक के लिए ओपन है शाम को 4 बजे जी, तो पब्लिक आज पूरे आके देख सकते हैं शाम को जी। कल पूरे जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के और उनके फैमिलीज़ के लिए कल है। कल है क्या सब, इसमें इंतजाम कैसे कैसे रह रहे देखिए पब्लिक के लिए? पूरा ये इससे ग्रास से भरा हुआ था जी, तो पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यूस यहाँ पे हमारे लेबर्स को लगा के पूरे काम कर रहे हैं। ये पूरा क्लीन किए हम लोग जी, और पानी का इंतजाम हो रहा है, डस्टबिन का पूरा इंतजाम जी, डाले हुए जी, साउंड सिस्टम पूरा डाला हुआ है। ये सब सीएमसी की जानिब से हो रहा है? ये सीएमसी की तरफ से हम पानी का क्लीनिंग और डस्टबिन इंतजाम, सफाई का पूरा इंतजाम रहेगा। हाँ सर, तो आज सर 3 दिन रहेगा ये एयर शो? नहीं, आज और कल, 2 दिन। आज और कल 2 दिन रहेगा एयर शो। ठीक है, ये थे हमारे सीएमसी कमिश्नर साहब जो तफसील हमको बताए। बिदर की आवाम से गुजारिश की जाती है कि आप इस एयर शो का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। ऐतिहासिक किला है, तारीखी शहर बिदर का, इसका जायज़ा लीजिए, इसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। और हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे बिदर की तरफ से जो भी इंतजाम किए हैं पब्लिक के लिए, उसका आनंद लीजिए और देखिए कितना बेहतरीन इंतजाम हैं यहाँ पर। आप आइए, आकर एयर शो का आनंद लीजिए। आवाम के लिए रखा गया है, इस खास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और पब्लिक, सभी के लिए रखा गया है। सभी लोग आइए, आकर यहाँ पर किले में एयर शो का आनंद लीजिए। देखिए कैसा एयरफोर्स हमारा किस तरह से है, कैसा यहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं, कैसा प्लेन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ आपको दिखेगी, आप बेहतर मज़ा ले सकते हैं। राइट।